कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के बज चुके अभी 5 और मैं आ गई मॉर्निंग वॉक पे। मैं 1 घंटा करके जाऊंगी मॉर्निंग वॉक, आपको पता ही है मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आती हूँ और 1 घंटा करके जाती हूँ। तो मैं यहाँ आती हूँ गाइस, ये तो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे है, ये यहाँ करके जाऊँगी मैं अभी 1 घंटा। बना रही हूँ अभी सब्जी, मन्नू की तैयारी कर रही हूँ स्कूल की, टिफिन में डालूंगी ये। मॉर्निंग वॉक करके आते ही गाइस मैं काम के लग जाती हूँ, 6 बजे आती हूँ और मन्नू का स्कूल होता है, फिर आते ही सब्जी बनाओ। और आटा मैंने लगा लिया है और मन्नू के लिए भी बादाम छील दिए हैं, ये उसको बादाम दूंगी। ले मन्नू, हाय बोलो सबको। हाय, खा ले फिर, दूध पी लिया ना? हाँ पी लिया। ठीक, मनु का हो गया टिफिन तैयार, इसके बैग में रख देते हैं। क्या कर रहा है? मुंह को ठीक रखा कर, हंसता हंसता। तबीयत कैसी अब? गाइस इसके कल बुखार हो गया था, अभी थोड़ी ठीक है इसकी तबीयत। स्कूल की छुट्टी नहीं मारता ये, मैं बोल रही हूँ कि रेस्ट कर ले, लेकिन नहीं करना इसको। कैसा बच्चा है बता भाई, क्यों नहीं करना? उम्र बढ़ जाएगा तो घर पे कर लेना, स्कूल में कॉल कर दूंगी मैं और पूछ लेना पूरा। क्यों कर ले रेस्ट आज? आज नहीं नहीं नहीं, क्या हिम्मत ही नहीं है तेरी तब? तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अम्मा को छोड़ने, देखो अम्मा स्कूल जा रही है। तू मेरा दोस्त है, ये दोनों मेरा दोस्त है। अच्छा। और मोट का बच्चा। बाय बाय अम्मा। बाय मनी। ये देखो वो खड़ी मनु की गाड़ी। गाइस मैं मनु को छोड़ के आ गई हूँ और अभी बनाऊंगी मैं अपना एप्पल साइडर, ये पीऊंगी अभी। अभी टाइम लगा है मेरे को, सुबह से मैं पानी पीती रहती हूँ ऐसे बीच बीच में, लेकिन इसका अभी टाइम लगा है। अब अपना ही टाइम है और ये पानी की बोतल मैंने गर्म पानी की रख दी, और आपको पता ही है मैं ऐसे पानी निकाल के रख लेती हूँ अपना। ये सब कर लिया है और इसको पी लेती हूँ मैं अभी। Moments later. तो गाइस मैं अभी नहा ली हूँ और पूरा काम फिनिश कर लिया है मैंने, मंदिर भी जाके आ गई हूँ, पूजा भी मेरी हो गई है और झाड़ू पोछा सब काम कर लिया है। तो अब आती है अपने नाश्ते की बारी। नाश्ते में आज मैं ले रही हूँ फ्रूट,
ये देखिए पपीता ले रही हूँ आज मैं। और कर लेते हैं गाइस अभी नाश्ता। और बहुत थकान हो जाती है इतना सारा काम करके, सुबह वॉक करो फिर घर का काम करो, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी अपन कर लेते हैं नाश्ता। अब मैं बनाने लगी हूँ अपना लंच। लंच में तो सुबह बना ली थी गोभी की सब्ज़ी, और ये बना रही हूँ मैं गाइस कुट्टू का आटा। मैं इसकी एक रोटी बनाऊँगी अपने लिए, कुट्टू का आटा और गोभी की सब्ज़ी आज ये लूँगी मैं लंच में। गाइस मैं अभी रोटियां, गेहूं की रोटी और मेरी तो बन गई, गेहूं की रोटी और बना देती हूँ। अभी वो आएंगे खाना खाने तो उनके लिए और बना देती हूँ, मेरी तो बन गई। मैं एक ही रोटी खाती हूँ, उसमें से भी कई बार छूट जाती है। तो ले आई गाइस मैं लंच और ये सैलेड और रोटी और दही और सब्जी। देखो ऐसे करके रख लिया करो आप रोटी के टुकड़े, उस रोटी में से ये मेरे 25 टुकड़े हैं गाइस। एक एक टुकड़े को इतना चबाओ कि वो पानी ना बन जाए, बिल्कुल इतना चबाते रहो। कल कमेंट आया था कि बोल रहे थे मैं हमसे होता ही नहीं 32 बार, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस चू करना है। बैठ के कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, जो भी आपको सब्जी पसंद है ना, जिस चीज़ की भी रोटी पसंद है, जो सब्जी पसंद है, उस चीज़ को चुनो आप और शुरुआत कर दो। 15 से 20 से 25 से ऐसे पहुंच जाओगे धीरे धीरे करके। शुरुआत में हमसे भी नहीं होता था, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता था। 1 महीना लगा था मुझे 32 बार करने में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये नहीं कि 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को। कोई भी काम को टाइम दो गाइस, टाइम दोगे तभी कर पाओगे वो सब, ठीक है। टाइम देना पड़ता अपने आप को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा। कोशिश करते रहो बस, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो सच में नहीं होती गाइस। तो मैंने देखो कितना वेट लॉस कर लिया इसी फार्मूलों से। पहले मैंने कितना ट्राई किया था, नहीं हो रहा था, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, घंटों घंटों पसीना बहना पड़ता था, जिम जाते थे, क्या हासिल होता था, कुछ भी नहीं। तो बस इसको तो चू करना है आपने, अंदर डाल लो अपने आप कि हमने करना है, करना है, करना है, बस ये सोच के चलोगे तो हो जाएगा। और क्यों वेट लॉस करना है, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, अगर ये सोच के करोगे तो गाइस कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको वेट लॉस करने में। बस 32 बार चू करते रहो
और हो जाएगा, एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे। सबकी बॉडी अलग अलग है, किसी का टाइम लेती है, किसी का जल्दी हो जाता है, होता जरूर है, लेकिन ये मुझ पे लिखवा के ले लो कि होगा जरूर। ठीक है, तो कर लेते हैं लंच, आप भी आ जाओ, करते हैं साथ में। सर ने बताया हमें कि कैसे खाना खाना है और किस तरीके से खाना है, और स्किन अच्छी होती है, ग्लो आता है, जो कुछ भी बीमारी है वो कट रही है, आप इंटरव्यू देखते ही हो सर के। तो बस करते रहो 32 बार फॉलो, जय 32 बार। लंच हो चुका है अभी और मनु आ गया है, मनु ने कपड़े चेंज कर लिए, अब मनु खाना खाएगा। और मनु की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है, अभी अब बिल्कुल ठंडा ठंडा है, सुबह तो थोड़ा बुखार था, अब नहीं है इसके। तू बता मनु कैसा है अभी? अभी तो ठीक है, सुबह से अच्छा है। हाँ अभी अच्छा है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर बाद में और ठीक हो जाएगा। तो गाइस मैं इसको दे देती हूँ अभी खाना, और खाना खिला के थोड़ी देर सुला दूँगी इसको टैबलेट दे के। ठीक है, मिलती हूँ, और मैं भी अभी सोऊँगी थोड़ी देर इसके साथ, और बाद में मिलूँगी आपसे। ठीक है गाइस, अभी है शाम का टाइम, ग्रीन टी वगैरह मैंने ले ली थी, और उसके सो गए उठने के बाद, और अब मैंने पी है चाय, और मनु को दूध पिलाया है, मनु देख रहा है टीवी इसका। और गाइस अभी कर लेते हैं अपन एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह नहीं होती आजकल, मेरी टाइम ही नहीं लगता मुझे, तो अब कर लेते हैं थोड़ी देर, कभी भी टाइम लगो कर लिया करो एक्सरसाइज। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो गाइस ये है मन्नू का दोस्त नीरज, ये आपके बारे में कुछ बताएगा, आपसे बात करेगा, करो इससे बात। मेरा नाम नीरज है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या बात है, हाय तो बोलो सबको। हाय। और ये मन्नू पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, ये मैं। ठीक है एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तुम पढ़ लो जब तक। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is. तो ये देखिए गाइस, ये मेरे दो फ्रेंड हैं। क्या नाम आपका? नेहा। आपका? हाय बोलो सबको। हाय बोल। हाय। मुर्गी मुर्गी है। Amazing, waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. तो गाइस मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट और आप देख सकते हो बहुत ही पसीना आता है इन एक्सरसाइजों से और वेट लॉस बहुत जल्दी होता है गाइस. किया करो ये एक्सरसाइज, मैं यही करती हूँ और डेली दिखाती हूँ ना आपको, बस वही करती हूँ. और आपको शुरू में शुरुआत करो ना एक्सरसाइज की, एक एक्सरसाइज को 10 बार करना, फिर बढ़ा देना आपने धीरे धीरे करके, और ऐसे ही करना है. और आज मनु के दोस्त आए हुए थे, आपने देखा, वो डेली बोलते थे मुझे कि ब्लॉग में लो, हमें भी ब्लॉग में लो, मनु आता है, बच्चों को होता है ना शौक थोड़ा सा, इस वजह से वो डेली बोलते थे मुझे. तो गाइस मैं अभी डिनर की तैयारी करूँगी, नहाऊँगी तो लेट हो जाएगा, बाद में नहाऊँगी अभी. फिर मैं 7 से 8 लास्ट होता है मेरा डिनर का टाइम, मैं कर लेती हूँ, इसे लेट नहीं करती. और आप पसीना देख सकते हो कितना आया हुआ मेरे. तो गाइस मैं बना रही हूँ अपने डिनर में बेसन का चिल्ला, और तो मुझे कुछ ऑप्शन मिला नहीं तो यही बना लेते हैं बेसन का चिल्ला. आज काफ़ी दिन भी हो गए खाए हुए, तो इसमें देखो मैंने सब्जियाँ डाली हैं कितनी सारी, हरा धनिया, प्याज, टमाटर और थोड़ी सी गोभी, पत्ता गोभी. तो ये बना रही हूँ मैं आज का इस लंच में, सॉरी डिनर में. तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ खेल के. पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था, फिर बाद में मेरे दोस्त आ गए थे मुझे बुलाने, तो फिर मैं खेलने चला गया. तो खेल के अभी मैं आ गया हूँ. तो चलो अब कर देते हैं ब्लॉग का एंड. और आपको करना है ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको है ना हमारा ब्लॉग कैसा लगता है. प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करो ना, हमें भी सपोर्ट मिलेगा आपसे, हमको ना सपोर्ट मिलता है ना तो हमको अच्छा लगता है. एक लाइक से है ना हमें प्रेरणा मिल जाती है ब्लॉग बनाने की. तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय.